तो कांग्रेस के देंगे। आप कांग्रेस के वोट देंगे? कांग्रेस के देंगे, भले का हुआ जट हाड़। राजस्थान सरकार में तो हमेशा गहलोत ही रहेगा। कांग्रेस को देंगे मैं तो धप्पू का बाल है, दसवीर का बाल है, कांग्रेस को देंगे हम तो। कहे मतलब ये हमारो कुछ भी कच्ची हो वाला ही गड्ढा में चले जाए। राजस्थान का चुनाव बड़े धूमधाम से चल रहा है और हर गांव मोहल्ले में दो चार लोग बैठने मिल जाएंगे। क्या पाँच साल सरकार रही है, चुनाव की चर्चा होती रहती है। राजस्थान की सरकार है, हर पाँच साल पे पाँच साल इधर पाँच साल उधर चलती रहती है। अब ये केमिस्ट्री हमें तो समझ नहीं आ रही भाई, क्योंकि एक बात रहता है फिक्स हो जाता है कि हमारे इतने चुनाव वोट बैंक हैं, लेकिन राजस्थान में तो आज तक कभी फिक्स ही नहीं हुआ। तो यही केमिस्ट्री को समझ रहे हैं हम राजस्थान चले आए। अब आप ही बताओ इस बार क्या होने वाला है? इस बार हमारे यहाँ फिर वही कांग्रेस आने वाली है 100%। अच्छा, 35 वर्ष से इधर बीजेपी उधर कांग्रेस, लेकिन इस बार क्या लगता है कि मतलब वो जो इतिहास बनता आ रहा है वो इतिहास टूटेगा क्या? मुश्किल है उसका टूटना। तो इस बार मुख्यमंत्री फिर गहलोत सर साहब बनेंगे? गहलोत ही सरकार ऐसा। गहलोत जी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं आप लेने, वो तो चाहे जेल को जा रहे हैं, लेकिन हमको संभावना कांग्रेस की आने। यदि हमारा जो बसपा का कैंडिडेट निकलता दिखा तो हम तो देंगे बसपा में, यदि बसपा का कैंडिडेट पीछे जाता है तो कांग्रेस में देंगे। कितना वोट बैंक लगभग आपके वो हो गया? हमारे यहाँ करीब 61,000 वोट है। 61,000 वोट है जाटो समाज का, ये पूरा एक ही तरफ पड़ता है, एक तरफा एक ही तरफ एक तरफा ही पड़ता है। तो हमें लगता है तो जीत हार की बात होती होगी, जिधर झुक जाए उधर जीत उधर जब ये तो भरोसी निकलता है। अच्छा, तभी भरोसी लाल निकलता। हाँ। तो भरोसी लाल जी का क्या हुआ, कई बार विधायक रह चुके हैं, इसमें क्या प्लान है, हटाने की बात हो रही है? इस बार उसको हटाने का प्लान है। क्यों भाई ऐसा कहोगे? वो कम से कम 90 वर्ष का हो गया। 90 वर्ष का हो गया। हाँ। अच्छा, तो काम वाम करते हैं कुछ नहीं करते? हाँ, वो काम तो कुछ ऐसा ही करते हैं, काम वाम कुछ करते नहीं। पेट भरते हैं क्या अपना? पेट भरते हैं। अच्छा जी, ये बात है। अच्छा, एक बात बताओ, नॉर्मल आपसे पूछ रहे हैं, आप वोट जो आप नेता चुनते हैं तो नेता जाति पर चुनते हैं कि विकास पर चुनते हैं? बुरा मत मानना, विकास के लिए चुनते हैं। तो विकास के लिए चुनते हैं ना। हाँ। तो अगर बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट आ गया तो क्या उसे आप नहीं चुनेंगे? बीजेपी का आए निकले ही नहीं अच्छा कैंडिडेट, जैसा कैंडिडेट की हमारी इच्छा है उसका उसको टिकट नहीं है। वैसे राजस्थान का विकास कैसा रहा 5 वर्ष में? बढ़िया रही है, विकास विकास में तो कोई कमी नहीं रहे। इस बार क्या किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस बार कांग्रेस बनाएंगे हम तो। कांग्रेस बनाएंगे? हाँ। अरे तो यहाँ राजस्थान में हर 5 साल बाद 1-5 साल बीजेपी की जाती है, 1-5 साल कांग्रेस की जाती है। अब मर जान तो जा बीजेपी की, हम तो कांग्रेस के देंगे। आप कांग्रेस के वोट देंगे? कांग्रेस के देंगे, भले का हो जा ठाड़ो कसु हो जाओ, कोई है जा भले भरोसी है जा। हाँ। राजकुमार वो है जा, काबर है वो अनिता। हाँ। वोट देंगे हम तो। अच्छा जी, ये तो बीजेपी तो का वो कच्ची नहीं है, कछु नहीं तो बहुत सुविधा कर रही है कांग्रेस, बहुत सुविधा कर रही है। हाँ। सिलेंडर 500 का मिल रहा है? हाँ, 500 का मिल रहा, मिल बे को तो। अच्छा। पेंशन लोग बढ़ा दी खूब। अच्छा, और कछु बच्चा फच्चान को कछु उता करता जा, वो सुविधा करता जा, मोबाइल दे दई खूब। अच्छा, मोबाइल से फायदा हुआ है? हाँ, होयो। अच्छा, एक चीज और, आज हमने मतलब मैं राजस्थान में टहल रहा हूँ, गेहूँ मिल रहे बंदे, इनके गेहूँ न दबा दे, ये गेहूँ बहुत इनके कम है, गेहूँ नहीं है मिले। की बात है कि फलानी चीज आ रही है, ढेकी चीज आ रही है। हाँ। जो विकास से काम होने बे होए काम तो ये थोड़ी कला तुमको चोर वसूली करके तुमको चॉकलेट दे देनी बच्चा को, जैसे चॉकलेट, ये तो जैसे बच्चा बेला में नहीं चॉकलेट देखना है ऐसे दे वो ही। तो जो मोबाइल बटा है बच्चों को, तो आपको क्या लगता है मोबाइल से बच्चों का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? अब विनाश है, रोया थे। अब जाको मोबाइल मिलो बाकी जेब में, ये 10 मिनट देख ले मोबाइल है, जाको जो मोबाइल मिलो बाकी जेब में तुम 10 मिनट मोबाइल देख ले, छुलेट पे पाएंगे सब मोबाइल। अच्छा, अब छुलेट खा गए वे खो गए मोबाइल में, मोबाइल में खो गए, पढ़ाई लिखाई उनकी कुछ नहीं है, गए गड्ढा में, मतलब मोबाइल देकर के गलत कर दिया, गलत कर दियो। हाँ। काहे चाहिए मोबाइल चाहिए, जरूरत मुझको पड़ रही है, जरूरत मोबाइल की आपको जरूरत पड़ रही है। हाँ। ऐसी की पेड़ है देखो, सही बात है, मुझे नहीं चाहिए बड़ा फोन। हाँ। राजस्थान में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं गहलोत सरकार में? अब भूतपुर सरपंच साहब है। हाँ, क्या 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 क्या, जैसे लड़की को मोबाइल नहीं है। हाँ। और वे कहा है मोबाइल, जैसे लड़कियां बिनते कर कर कॉन्टेक्ट और घर बार छोड़ के भाग जाएंगे, पीछे का फाल होगा
अरे बाप रे ये तो बड़ी गलत, मतलब भाई मोबाइल बेकार हो यही बेंगरो यही और का है राजस्थान में। मतलब कहने मतलब है थोड़ा कि अगर लड़कियों को मोबाइल मिलता है तो फिर लड़कों से बात करके वो घर से रवाना हो जाती है, तो ये बेकार भैया और का है, ये मतलब बड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन सरकार ने तो पढ़ने के लिए दिया था, पढ़ने के लिए दिया लेकिन बेघर बे को दी है। अच्छा, सरकार बदलती आती जाती रहेगी तो विकास अच्छा करती है और इसमें जनता को भी फायदा होता है बदलती सरकार में, तो इस बार परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, जरूरी है। अच्छा, तो बीजेपी रहेगी। अच्छा, परिवर्तन में फिर मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अगर मुख्यमंत्री तो उनका ही चेहरा होगा। अच्छा, परिवर्तन में जो अपने पार्टी का चेहरा था फिक्स नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में तो मान के चलो उसमें वही आएगी, वसुंधरा बनेगी मुख्यमंत्री। फिर आप युवा भी हैं, सारे यहाँ राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं आज तक सब लीक हो गए हैं, तो किस क्षेत्र में आप बोलेंगे सही काम हुआ है जवानों के लिए, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले तो युवाओं के लिए, बेरोजगार हैं तो बेरोजगार की भी जरूरत, भाई रोजगार मिलना चाहिए उनके लिए। कितना रोजगार मिला आपको पता है यहाँ कुछ? अब गहलोत में तो गहलोत सरकार ने करो जगह भी निकाली है रीट की। भैया हमें आज तक चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे यहाँ पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, सबके पेपर तो लीक ही हो जा रहे हैं उसमें, और फिर उसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई कभी किसी के ऊपर, कोई कार्रवाई हुई यहाँ पर? नहीं, तो इसके बारे में तो कार्रवाई करनी चाहिए, ये बात आपकी सही है मैं मान रहा हूँ। लेकिन बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है, लीक होने के कारण ही हो रहा है भविष्य तो खराब। इसकी गलती इसमें किसकी है? गलती आप मान लो गहलोत की, मान लो है एक मिनट, मुखिया कौन है? गहलोत ही है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? मानी जाएगी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार और भी जगह हो रहा है, वो उसको मेन जड़ को हो रहा है, लेकिन उस पर रोक लगा सकते हैं ना। हम शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको रोजगार नहीं मिलेगा जब तक तो हम बेरोजगार ही हैं। तो रोजगार कहाँ मिलेगा जब पेपर लीक हो जा रहा है? अब पढ़ने वालों को तो नौकरी नहीं मिल रही है, और जो फर्जीवाड़ा हो जाता है मान रहा हूँ मैं आपका, तो उसमें उनको नौकरी मिल जाती है। यहाँ राजस्थान के लोगों में ऐसा क्या है कि कभी किसी का फिक्स वोट बैंक होता नहीं, ये क्या बात है? यूं बदले मैं बताऊँ, विकास के लिए जिस एक तरफा जो सरकार बनती रहनी तो बापा अंकुश नहीं रहता है। अच्छा, हर साल बदलती रहेगी तो बापा पर अंकुश रहता है कि यार दोबारा मेरा नंबर तब आ जाओ, सही काम करूँ इसलिए। अच्छा, यहाँ ये हम लगता है हम लोग लगभग सब किसान होंगे, किसानों की बात कर्जा माफी की हुई थी, राहुल गांधी जी ने बोला था कि 10 दिन में राहुल कर्जा माफ हो जाए किसानों का, माफ हुआ? गहलोत ने करो, गहलोत ने कई बात तो कर्जा माफ है जाओ, ये चौनी माफ नहीं हुई। ये तो राज्य सरकार की मर्जी है, करें नहीं करें ये तो बेकार। तो फिर वही चीज हुआ कि मतलब लालच देख के जीत लिए। अब भाव में एक फर्क है मैं बताऊं, जैसे पहले कर्जा माफ हो कांग्रेस ने करो, पहले कांग्रेस ने करो 15,000 करोड़ रुपए माफ हुआ था, और जो साहूकार आदमी है बिनको तो कर्जा माफ नहीं हो, और जो चोर है बिनको कर्जा माफ हो। अच्छा, तो किसान चोर है, किसानों का ही माफ हुआ था लगभग? समझ में नहीं आ रही है, जो बराबर पैसे दे रहे हो बैंक में जमा करा रहे हो बिनको तो कर्जा ही माफ नहीं हो, और जो 20-20 साल है गई बिन 10-10 साल है गई बिनको कर्जा माफ हो, चोर है साहूकार है? अरे तो बिचारों के पास था ही नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं, समझ नहीं आया। मैं आपकी बात में समझ गया कि जो पुराने पड़े थे उन्हें तो कर्जा माफ हो गया, जो आज 10 लाख लिए कल 15 लाख जमा कर दिए फिर परसों 20 लाख लिए उनका कर्जा नहीं माफ हुआ, ये चीज हुआ। तो इससे जनता कुछ गुस्सा लगा, तो कोई सी भी हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि युवाओं के लिए बेरोजगार डोलने इसमें तो आपको लगता है कौन देगा रोजगार? लगता है सरकार, राजस्थान की सरकार अब अशोक गहलोत चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें रोजगार सबको मिल जाएगा तो कोई गरीबी नहीं रहेगी, क्लियर सी बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, मतलब क्या है आप सीधे शब्दों में बताइए? हमारा मतलब ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार हम और राजस्थान सरकार में तो हमेशा गहलोत ही रहेगा, गहलोत ही रहेगा, गहलोत की हम खुद गहलोत के लिए वोट देंगे, क्लियर सी बात है। तो हमेशा कहाँ रहे हो, तो 5 साल पे बदल जाते हैं, बदल जाती है, ये कारण है, इसका भी कारण है बदलने का भी, क्योंकि कोई लोगों को तो विकास चाहिए और कोई के लिए विकास नहीं चाहिए, वो पार्टी समझते हैं खाली, उनको तो पार्टी चाहिए, विकास से मतलब नहीं है। विकास जब होगा जब पार्टी एक तरफा रहेगी, एक तरफा कोई सी पार्टी रहे एक तरफा रहेगी। अच्छा। क्यों बाबा जी आप बताओ कैसे रहे? कांग्रेस को दंगों में तो धप्पू का बाल है, दसवीर का बाल है, कांग्रेस को देंगे हम तो, कहे मतलब ये हमारा कुछ भी कच्ची हो वाला गड्ढा में चले जाओ वोट, गड्ढा में जा वाली वोट हमारा कांग्रेस को, कांग्रेस है और ब्रजेश को मिलो। अगर ब्रजेश को मिलो टिकट कांग्रेस को तो
टाइम तेज आगी तरह को मैं बता रहा हूँ। अच्छा। अगर और कोई को मिल गो सेवा भरोसे को और कोई को मिल गो हमारी तो कांग्रेस जीत जाएगी, यानी बीजेपी 10 बजे जीत जाएगी हमारे यहाँ से। तो ये स्थिति चांस यहाँ है, मतलब बराबर बराबर है, कौन किधर दो चार फालतू हो जाए। भरोसे के परिवार में तो खड़ा नहीं होना चाहिए कोई। हाँ, भरोसे का अगर कोई खड़ा हो हाँ तो मतलब कांग्रेस जाएगी देख को। अच्छा, हिंडोन क्षेत्र थे। अच्छा, बीजेपी जीतेगी 100 में 100%।